और उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस पहाड़ पर चढ़ने में दम तोड़ रही है, जबकि परिवहन मंत्री के निर्देशों पर दोबारा से पौड़ी, चंडीगढ़, पौड़ी, देहरादून समेत अन्य स्थानों के लिए परिवहन निगम की बस सेवा को संचालन शुरू किया गया था। वहीं अब हालात यह है कि चौथी बार बस रास्ते में ही खराब हो गई है। इस पर कांग्रेस सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाए हैं कि सरकार जबरन पहाड़ों में खराब बस भेज रही है। वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि वह जल्द ही परिवहन निगम की 100 नई बसें भेज रहा है, जिससे यह दिक्कत नहीं आएगी और जनता को इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा। पौनी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। BS6 होंगी और जो 200 CNG वाहन हमारे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे उनको भी हम पहाड़ में रिप्लेस करेंगे। हम 60 इलेक्ट्रिकल वाहन भी हम ला रहे हैं, उनको भी हम रिप्लेस करेंगे। हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, हम CNG के स्टेशन बना रहे हैं और आने वाले समय में हम हर जनपद में हम इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, ताकि हम इलेक्ट्रिकल वाहनों को हम जिलों के मुख्यालय से भी हम जोड़ सकें। यह हमारी महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी है, आप पौड़ी की जो यातायात व्यवस्था है, जो बसें हैं पौड़ी को दे रखी है, इस जिले को 18 बसें दे रखी है, परिवहन मंत्री ये चीज, जिस जिले के आप प्रभारी हो उस जिले में तो बसें ठीक दे देते, सड़कों पर खड़े रहती है वो बसें, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां हैं, जो सीटें हैं वो टूटी हुई है, बसें जगह जगह खड़ी रहती है, पौड़ी देहरादून की सर्विस कई दिनों तक बाधित रहती है, आप एक बस नहीं दे पा रहे हैं इस पौड़ी के लिए।